नमस्कार, मेरा नाम है आरजी अंजलि, मैं हूँ रिद्धि मिर्जे से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज में। धन्यवाद। इस शो की प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नगर निगम स्थायी समिति का गठन हो चुका है, 13 पार्षद जीत कर जाए, लेकिन स्थायी समिति में एक भी मुसलमान को शामिल उसमें नहीं किया गया। आखिर भाई, आखिर क्यों का जवाब मेरे पास तो नहीं है। इसलिए कि जनता ने जिनको निर्वाचित करके भेजने का काम दिया है उनका विशेषाधिकार है, वो चाहें जिसको अपने मंत्रिमंडल में रखें। मैंने सशक्त स्थायी समिति का मतलब होता है नगर निगम सरकार का मंत्रिमंडल, वो चाहें जिसको अपने मंत्रिमंडल में रखें चाहे नहीं रखें, ये उनका विशेषाधिकार है। उस विशेषाधिकार का उपयोग उन्होंने किया है। स्थायी समिति का जो गठन किया, जिस प्रक्रिया से गठन की गई है, वो प्रक्रिया क्या थी? तो कोई प्रक्रिया नहीं है उसमें, तो उनको स्वयं तय करना था कि हमको किन्हें सशक्त स्थायी समिति में रखना है, किन्हें नहीं रखना है। संवैधानिक रूप से ये उनका अपना विशेषाधिकार है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को ये विशेषाधिकार है कि वो जिनका नाम चाहें मंत्रिमंडल में रखें, जिनका नाम नहीं चाहेंगे मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। एक दैनिक समाचार पत्र प्रमुखता से खबर छपी, स्थायी समिति का जो भी लिस्ट है वो भाजपा कार्यालय में तैयार हुआ है और मेयर ने केवल मोहर लगाने का काम किया, सिग्नेचर करने का काम किया। अब ये अखबार के पास जो समाचार है, हो सकता है वो सही हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन विचारों को मानने वाले लोग उस स्थान पर निर्वाचित होकर के महापौर और उप महापौर के पद पर स्थापित होकर के आए हैं, उनके प्रेरणा स्रोत भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता और भारत देश के प्रधानमंत्री। जब भारत देश के प्रधानमंत्री का ये मानना हो कि 25 से 30 करोड़ मुसलमानों की भले आबादी हो देश में, 140 करोड़ की आबादी में, लेकिन बगैर किसी मुसलमान को मंत्रिमंडल में रखे हुए देश चलाया जा सकता है, ये उनका मानना है। और उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले लोग मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जीत करके आए हैं, तो फिर उनकी भी सोच वही होगी, भाई क्या ज़रूरत है, भले 13 जीत करके आए हों, उससे हमारा क्या लेना देना, हम जिसको चाहेंगे रखेंगे। ये मुसलमान के हक की लड़ाई लड़ने वाले जो अपने आप को नेता कहते हैं, मुसलमान के हक के लिए हम लड़ते हैं, वो फिर कहाँ है? बात मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले का नहीं है, जब निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है और जब निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत ऐसा मामला सामने में था कि इससे पूर्व भी 4 बार सरकारें नगर निगम की बन चुकी हैं, अब तक की पिछली 4 बार की सरकार में 2 बार डिप्टी मेयर मुसलमान रह चुके हैं और कोई भी 4 बार के सशक्त स्थायी समिति में कभी ऐसा इत्तफाक नहीं हुआ कि कोई मुसलमान उसमें सशक्त स्थायी समिति का मेंबर नहीं रहा हो। वैसी सरकार को बनाने वाले लोगों ने जो टीम बनाया था मिलजुल करके हम लोगों ने, उस टीम को हराने का ही जब काम करके हम लोग माने जो मतदाता हैं, मतदाता को जो कन्विंस करने वाले लोग, बड़े नेता लोग हैं, हमारी तरह के सोच वाले लोग, उन लोगों ने ही जब क्या आते हैं इस तरह के लोगों को हराने का काम किया है और उनको जिताने का काम किया है। तो अब मुझको आश्चर्य नहीं, मुझको पहले दिन से मालूम था कि भले 13 मेंबर जीत करके आए हों मुसलमान में, लेकिन किसी को नहीं रखा जाना है स्थायी समिति में, इसलिए कि जिनको पद पर बैठाया गया है उनकी सोच यही है कि मुसलमानों को लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के बगैर जब भारत का प्रधानमंत्री देश चला सकते हैं, तो उनका मानना ये है कि मुसलमानों के बगैर हम नगर निगम सरकार भी चला सकते हैं। चुनाव के समय जिस तरह से 13-13 का जो चर्चा हुआ, हवा चला और मेयर डिप्टी मेयर मुसलमान दोनों हार गए, इस बार भी 13 प्रत्याशी मुसलमान को जीत करके आए, तो वो 13 का कुछ समीकरण तो नहीं है? मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, 13-13 के कारण तो क्या परिणाम, 13-13 के कारण क्या परिणाम हुआ था वो तो आप लोगों को मालूम है, मुजफ्फरपुर की जनता को मालूम। नहीं, ये उसका हिस्सा कहे से हो सकता है, जनता ने 13 को जिता करके भेजने का काम किया है, ये तो जनता ने करने का काम किया है। जनता ने 13 सदस्यों को वार्ड पार्षद की हैसियत से जिताया है और मैं उन 13 वार्ड पार्षदों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने जनता का विश्वास जीता और जीत करके यहाँ तक आए।
मैं उन तमाम 13 पार्षदों से यही आग्रह करूंगा कि भले अस्थाई समिति में आप में से कोई नहीं आए हो, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ते रहने की ज़रूरत है। उसमें कोई भेदभाव करने की ज़रूरत तो नहीं है। मुसलमान दर्द दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूँ इसको कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये उनका विशेषाधिकार था। अब उन लोगों को जब लोगों ने निर्वाचित करने का काम किया है वैसे लोगों को, तो वो तो अपने विचारों से ओतप्रोत होकर के ये काम करेंगे। अस्थाई समिति को भंग भी होने की संभावना है कि भंग करके शामिल किया जाए, ये विशेषाधिकार भी मेयर साहिबा को है किसी दूसरे को? ऐसा कुछ मांग करेंगे? मैं कैसे मांग कर सकता हूँ? मैं तो कोई निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ नहीं, इसलिए मैं उनसे कैसे मांग कर सकता हूँ कि भंग करके नया बनाया जाए। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि भाई मुजफ्फरपुर की समाज मिली जुली संस्कृति की समाज हमेशा। अरे 13 मुसलमान जो जीत करके आए हैं वो लोग कभी संपर्क किए या आपने उसके? हमेशा संपर्क में रहते हैं, सारे साथी हमारे हैं। उन लोगों क्या कुछ? सारे हमारे साथी हैं, सारे हमारे छोटे भाई हैं, जितने भी लोग वार्ड पार्षद जीत के आए हैं सभी संपर्क के कुछ साथी हैं, कुछ छोटे भाई लोग हैं, कुछ मित्र लोग हैं, सभी लोगों से मेरे संपर्क हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक साथी से मेरा संपर्क है। तो इसीलिए मुझको कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि किसी एक को भी नहीं लाया गया, क्योंकि वो जिन विचारों से ओतप्रोत हैं उनमें उन विचारों की सोच के कारण यही रिजल्ट आना था, ये मुझको पहले से। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।